नीचे कर ले माइक पहली बार सब पार्टी के भाई मेरे भाई को नहीं पा रहा है और इस बात की खुशी है कि सभी पार्टी के नेताओं ने पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत बेहतर ढंग से साथ में काम किया और आज हम काउंटिंग से 4 दिन पहले हम एकत्रित होकर के थोड़ा चर्चा करेंगे आगामी योजना और उसके साथ साथ में हमारी काउंटिंग से रिलेटेड कुछ बातों का ध्यान रखने की जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। और हिमाचल की जनता के मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस बार बहुत अच्छा उन्होंने इस चुनाव में चाहे वो कैंपेन का दौर रहा चाहे वो पोलिंग का दौर रहा बहुत एक्टिव होकर के उन्होंने पार्टिसिपेट किया और रिकॉर्ड वोटिंग इस बार हुई है 76% से ज़्यादा परसेंटेज वोटिंग हुई है और शांतिपूर्ण ढंग से सारा कैंपेन हमारा हुआ है। ये सारी बात सबसे बड़ी बात है और जहाँ तक बात आती है अब आगे की बात आती है अब 4 दिन बचे हैं उनको इंतजार करना चाहिए चुनाव के परिणाम का। लेकिन अभी तक के तमाम सर्वेक्षण सर्वे जो एनालिसिस सारा आ रहा है उसमें यही आ रहा है कि भाजपा हिमाचल प्रदेश में फिर सरकार बनाने जा रही है और मुझे इस बात की खुशी है कि ये हिमाचल के इतिहास में उस दिशा में एक चीज़ ऐसी होगी जो लंबे समय तक इतिहास में दर्ज होगी। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के मैं यही कहूँगा मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को और प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से इस चुनाव के इस दौर में सहयोग किया। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री साहब का अहम है भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व तो मान चुका हुआ है कि वो उसके बारे में कोई बात ही नहीं मैं करना चाह रहा हूँ। उसकी शैली उसकी भाषा अब मैं उसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ वो नहीं सीख पाएंगे वक्त के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सुखमंत्री सुक्खू कह रहे हैं सर कि हिमाचल प्रदेश जो है वो 97% हिंदू बहुल है और एकमात्र ऐसा प्रदेश होगा जहाँ पर जो भाजपा हारेगी ऐसे कि उनको मुझे लगता है कि पहले मैं इसी में जोड़ूंगा जी क्या ये मुद्दा भी था अभी इसी में जोड़ना चाह रहा हूँ जी अभी क्या ये हिंदू वाला मुद्दा भी था। मैं इस बात को लेकर सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ 10 के लगभग कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री के दावेदार बने अखबारों में मालूम पड़ा कि 8 लोगों की कुंडलियां भी मंगवा ली और उसके साथ साथ सब लोग अपने अपने क्षेत्र में अपनी सीट को बचाने के लिए मुख्यमंत्री अपने आप को घोषित करते रहे। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तो करने की बातें कह रहे हैं चाहे वो विपक्ष का नेता है चाहे वो दूसरे कोई नेता है इनके सीनियर लीडर अपनी सीट को बचाने के लिए के मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री इसका सहारा लेना पड़ रहा है। इससे बड़ा दहशत का डर का माहौल जो है मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए और नहीं हो सकता है वो भाजपा से इतने डरे हुए। और दूसरी बात मैं ये भी बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री के दावेदारी करने वाले जो लोग जितने भी बड़े प्रमुख हैं उनमें से अधिकांश लोग चुनाव हारेंगे आज आपने नोट कर लिया। ओपीएस की बहाली का प्रभाव पड़ेगा उसकी वजह क्या जी देखिए सारी चीजों का लेकिन मैंने कहा कि अभी परिणाम आने दो उसके बाद ही इस बारे में टिप्पणी करेंगे। सर ओपीएस का प्रभाव पड़ेगा चुनावों में इस बार बागियों की भी लगातार फीडबैक भी विधायकों से जो कैंडिडेट हैं उनसे ली जाएगी तो एक बागियों की पहले फीडबैक लेंगे।